हाँ तो भाई साहब, क्या हाल चाल? जय श्री महाकाल। हाँ तो भाई साहब, आज की वीडियो में लेके आऊँ मैं एकदम अलग चीज़ जो कि आपने आज तक नहीं देखी, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ पहली बार देख रहा हूँ। आपने रोडों पे चलते हुए जो गाड़ियाँ देखते होंगे कितने ईंधन से चलती होगी, पेट्रोल से चलते देखी होगी, डीजल से चलते देखी होगी, CNG से चलते देखी होगी, LPG से चलते देखी होगी, और आज के टाइम में अपने इलेक्ट्रिकल से चलते हुए देखी होगी। लेकिन भाई साहब, मैं आज लेके आया हूँ आपको स्टीम से चलने वाली गाड़ी है। जैसे कि अपने ये इस तरीके के आते थे ना, अपने स्टीम इंजन जो अपनी भाप से चलते थे कोयले डाल के, वैसे ही ये गाड़ी भी चलती थी अपने स्टीम से, मतलब कोयले डाल के। जब मैंने इसको पहली बार देखा ना, तो मेरे को लगा मतलब कुछ होगा यार, ऐसे पुराने टाटा वाटा के ट्रक खड़े होंगे। लेकिन जब अपन ने इसको देखा समझा, तो मेरे को मज़ा आ गया। मतलब क्या ही चीज़ है। देखो, मज़े इस चीज़ से नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसे पुराना है, मज़े मेरे को देख के आए इस चीज़ को। मतलब ना डिफरेंशियल इन्फ्लेशन की कोई नाटक नहीं है इसके अंदर। मतलब इस तरीके का मैकेनिज्म मैंने पहली बार देखा है गाड़ियों के अंदर। मतलब इतने अपन ने इतना इंटरेस्ट गाड़ियों के अंदर आज तक इस तरीके की चीज़ नहीं देखी है, मैंने पहली बार देखी। मतलब जो इसकी रियल व्हील है ना, इसमें डिफरेंशियल कुछ नहीं, इस तरीके से अपने चेन के थ्रू चलता है। देखो, इस साइड भी है और अपन चलते हैं अपन इसके पीछे। ये चेसी पूरी इतनी लंबी चौड़ी है, ठीक है। और ये इस साइड देखो आप, इधर भी चेन वाला सिस्टम है। मतलब देख के ना दिल खुश हो गया मेरा कि मतलब भाई यार क्या ही चीज़ मिल गई अपने को। तो चलो भाई साहब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी अपनी स्टीम। देखो मैं लिखाता हूँ कहाँ लिखा है इसका, अपना वो लिखा स्टीम लोरी के ऊपर कि ये क्या है, कैसी। देखो भाई साहब, मेरे को भी ज़्यादा समझ में तो आई नहीं किसके फंक्शन क्या कैसे है, लेकिन फिर भी जितना होगा ना मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलो देखते हैं क्या है आखिर ये स्टीम लोरी। हाँ तो भाई साहब, अगर अपन बात करें अपन इस स्टीम लोरी के लुक्स की, तो देखो फ्रंट आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब आप बोलेंगे भाई साहब इसको कोई फ्रंट बोलते, ना हेडलाइट है ना कुछ है, मतलब बस मैकेनिकल चीज़ें तो कुछ भी बता रहेगा। तो भाई साहब देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ये चीज़ क्या अपनी 100 साल पुरानी है, ठीक है। इसलिए इस तरीके की, और इसलिए आपने इस तरीके की चीज़ नहीं देखी, मैंने खुद ने पहली बार देखी है। तो देखो भाई साहब, ये चीज़ है ना अपनी, क्या कहते हैं, कांगा, ये देखो गिरा। दिस पर्टिकुलर वेगन वॉज मेड इन 1916, ठीक है। 1916 में बना ये, 1917 में अपने बॉम्बे में आया था, उसके बाद इसने सर्विस दी अपनी 1971 तक, ठीक है। मतलब इतने साल सर्विस दी है इसने, सोचो कितने साल दिए। आजकल के ट्रक तो इतने में निपट जाते हैं, उसके बाद फिर इसको क्या इस तरीके के म्यूजियम में ला के रख दिया। लेकिन भाई जब मैंने ये चीज़ देखी ना, तो मेरा दिल खुश हो गया, मतलब क्या ही चीज़ देखने को मिल गई। खैर, अगर अपन इसके फ्रंट की बात करें, देखो फ्रंट आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिसमें आपको कुछ भी अपनी विंडशील नहीं मिलेंगी, बीच में आपको ब्लोअर मिलेगा। फ्रंट आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ना कोई हेडलाइट है, ठीक है। उधर साइड से चलें तो आपको इस साइड से ऐसा केबिन में घुसने के लिए आपको मिलेगा, कोई गेट वेट नहीं मिलेगा, ठीक है। और इधर साइड में चलें, अब यहाँ पे आपको जो भी कैरियर लगाते होंगे, मतलब अपना डंपर लगा के लगाने वाला है, टैंकर लगाए, जो भी लगा उनकी मर्जी, जो भी लगा होगा। अभी तो अकेली चेसी और मेरे ख्याल से कैरियर ही लगा होगा इसके बीच, मतलब पीछे। बाकी इधर जो सबसे मेन इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वैसा, वो ये रहा इसका, ये चेन वाला सिस्टम। मतलब जो स्टीम बनती थी उससे फिर जो भी रोटेशन बनता था, उससे फिर अपनी चेन इसके अंदर आके अपना रोटेशन होता था, उससे ये दो साइड की अपनी चेन घूमती थी और उससे टायर घूमते थे। तो मतलब रियल व्हील ड्राइव थी, लेकिन क्या ही अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। मतलब देख के दिल खुश हो गया इस चीज़ को तो मेरा। खैर, वो अब मैं समझा दूंगा, मेरे को जितना समझ में आएगा। बाकी मैंने भी यूट्यूब पर ढूंढा उसको देखने के बाद तुरंत कि भैया क्या कैसी वीडियो बनानी है अपने को, तो इतना कुछ खास मिला नहीं, लेकिन फिर भी अपन जितना होगा ना अपन समझेंगे, ठीक है। तो ये चेन इसे घुमाने के लिए, मतलब जो स्टीम बनेगी उससे जो प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर से जो भी इसका अंदर रोटेशन होता था, उससे अपनी ये घूमती थी जिससे अपना रियल व्हील घूमता था, ठीक है। इधर चले, मतलब बहुत मैकेनिकल चली अपनी कमानी। देखो कितनी पुरानी कमानी, तो बहुत पुरानी चीज़ है, मतलब देसी चीज़ है ये समझो आप। उसका इस तरीके की चेसी हो गई, और इधर चले तो इस तरीके के अपने टायर आ रहे हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल से अपने डिस्क तो नहीं, कौन से ब्रेक है क्या दिख रहे हैं इसमें, ब्रेक तो खैर इसी से रुक जाते होंगे यार, ब्रेक की क्या ज़रूरत पड़ रही है, वो जो प्रेशर कम ज़्यादा करते होंगे तो उससे रुक जाता होगा। खैर, और ये अपने क्या शायद तक इसमें ना ये चूड़ियाँ बनी है, तो ये आगे पीछे करने के लिए। देखो भाई साहब, अगर आपको लग रहा हो कि भैया तू क्लियर बता, भाई साहब मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा क्या है, फिर भी मेरे को लगा यार जितना भी अपने दिमाग में आए समझ में आया अपन बता, क्योंकि ये चीज़ बहुत प्यारी है, मतलब खतरनाक है। अभी यहाँ पर कोई गाइड वाइड भी नहीं जिसको मैं पूछूँ कि भैया क्या है, क्या कैसी है, चलती थी। खैर, फिर भी आप लोग को जितना समझ में आएगा अपन समझाएंगे और देखेंगे। तो देखो साइड से आपको कुछ इस तरीके के लुक मिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे प्यारी चीज़ मेरे को लगी इस पूरे ट्रक में ये वाली चीज़, मतलब जो ये रियल व्हील सिस्टम था ना, क्या ही कमाल चीज़ थी यार। मतलब क्या, वैसे ये स्टीम इंजन है, मतलब स्टीम इंजन तो वो है, ऐसे स्टीम लोरी मैंने तो पहली बार देखी ना, सुना था इनके बारे में। बाकी जब मैंने देखा ना, तो मेरा दिल खुश हो गया। अब आपको लग रहा होगा इतना क्या बड़ी बात है भाई, मेरे लिए तो यार मतलब इस तरीके का ऐसा रियल व्हील ड्राइव होना मैंने तो आज तक नहीं सोचा था।
खैर अगर अपन चले तो भाई इधर आपको साइड में दिखा दी, ठीक है, वापिस आ गए अपन इसके फ्रंट में। अब चलते हैं इसके अंदर अंदर और मैं आपको बता दूँ उसके क्या फीचर्स थे, क्या रहे थे और समझते क्या कैसा है। हाँ तो भाई साहब अब बात करें अपन इसके फीचर्स की कि तो भाई साहब सबसे मेन तो भैया ये अपना कैरियर है, मतलब ट्रक है, सबसे मेन तो कि अपना लोड इधर उधर ले जाने इसका वाला फीचर है। और दूसरा मेन है ये ना अपना डीजल है ना पेट्रोल है, ये अपना स्टीम लोरी यानी अपना स्टीम ट्रक जिसके अंदर अपना वो कोयला डाल के, देखो मैं वो भी समझा देता हूँ, मैंने जितने वीडियो यूट्यूब में अपन जाके समझी, देखो इस तरीके से आपको इसके अंदर चढ़ने का मिलता था, ये अपन ने रखा। और ये बता दो देखो भाई साहब इस तरीके का इसके पूरी प्लेट लगा पड़ी है, मतलब ये 100 साल पुराना है। तो ये देखो जिन्होंने मनवाया था एजेंट उसका नाम है विलियम जैक्स इन कंपनी बॉम्बे कोलकाता कराची एक्सेट्रा, और ये जो भी कंपनी होगी इसकी वैगन बनाने वाली है उसका वो लिखा है। उसके बाद अंदर चलें तो आपको इतना बड़ा कौन सी कंपनी के टायर लगे होंगे वैसे यार, इतने पुराने खड़े करके रखे इनने, वैसे टायर की कंपनी का नाम तो नहीं देखे रखा है यार। खैर अपन फीचर्स की बात कर रहे थे तो पहले अपन इसके अंदर चढ़ते हैं। नहीं वैसे इसके आना गेट आते होंगे क्योंकि इसके अंदर लोग तो देखे रखा है लेकिन अभी निकाल दिया। चलो खैर अपन अंदर चलते हैं पहले। हाँ तो बाबा ये है ना ट्रक में आपको बता दूँ एक जन की चलाने वाली चीज़ नहीं थी क्योंकि ये था अपना स्टीम इंजन है, स्टीम, तो इसके अंदर एक जन चलाएगा गाड़ी तो दूसरे जन को डालना पड़ता था, है ना। जैसे इनके अंदर का रहता था एक जन कोयला डालता था और एक जन गाड़ी चलाता था, वैसे सेम इसके अंदर भी था। तो इधर आपको मिलेगी कुछ इस तरह की लोहे की स्टेयरिंग है ना, और ये साथ अपना एक्सीलेटर होगा, ठीक है, और इसका एक गियर या फिर जो भी रेस मतलब स्टीम कम ज़्यादा करने के लिए जो भी रहता होगा ये वो हो गया, है ना, ये स्टीम प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए। और भाई साहब मेन ये रहा इसके अंदर, देखो मैं बताता हूँ इसके अंदर अभी आपको छेद दिख रहा होगा, दिख रहा है, लेकिन जब ये ट्रक चलता था ना तो इसके अंदर जो आपको ये गड्ढा दिख रहा है इसके अंदर आपको जो नीचे जाली दिख रही है, ये जब अपना ट्रक चलाना रहता था तो इस जाली को बंद कर देते थे और इस गड्ढे के अंदर अपने कपड़े के अंदर आग लगा के यानी उसको तेल वेल से गील भिगा के अंदर डाल देते थे ताकि वो देर तक जलता रहे। उसके बाद लकड़ी और कोयला डालते थे। फिर जो आप ये भट्टी देख रहे हो ये पूरी बन जाती थी भट्टी, और इसके अगल बगल की जो बाउंड्री दिख रही है इसके अंदर भरा रहता था पानी, ठीक है, और वो पानी फिर जब भट्टी जलती थी और कोयला जलता था तो उससे अगल बगल बनती थी हीट, और हीट से अपना जो पानी था वो बनता था स्टीम में, और वो स्टीम ये जो पाइप दिख रहे हैं इसके थ्रू जाती थी अपने पीछे, जिससे वो सिलेंडर अपने आगे पीछे जो भी पिस्टन चलते थे और उससे फिर रोटेशनल फोर्स बनती थी और फिर ये ट्रक चलता था। तो इसलिए बना के रखा ये इधर अपने सामने बॉयलर जिसके अंदर अपन को कोयला डालते रहना पड़ता था चलते चलते ट्रक में क्योंकि वो आग बुझ ना जाए। आपको इधर का मामला बता दूँ, देखो इधर ऐसा लोहे का मिलेगा, मतलब कम्फर्ट वम्फर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं इसके अंदर, ठीक है, 100 साल पुरानी चीज़, वो तो बस माल ढोने का काम है, आप रगड़ तो लो। बाकी यार कितने 1916 में बना और 71 मतलब कितने साल तक चला, यह सोचने वाली बात है। खैर इधर बात करें तो आपको मिलेगी इस तरीके की स्टेयरिंग, इधर इस तरीके का मिलेगा आपको व्यू, ये रहा इसका अपना बॉयलर। और इधर बात करें तो इधर मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से अपना यहाँ अपना कोयला डलता था, इधर आग डल के उसके नीचे पानी भरा रहता होगा तो उससे अपना जाता था, ये देखो स्टीम की पाइप लाइन आ रही है। उसके बाद इधर भी ये कुछ कंट्रोल रहते होंगे जो ड्राइवर कंट्रोल करता होगा, इतना जाम होगा हिल भी नहीं रहा, ठीक है, और इधर कोयला भरा जाता होगा अपना भाई साहब, है ना। और ये देखो मैं बता दूँ इधर 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 ये भी कुछ सिस्टम होंगे प्रेशर कम ज़्यादा इस टाइप से करने के, है ना। अब अपन चलते हैं इधर, इधर अपना मिलता था अपना कंडक्टर जो कि कोयला डालता रहता होगा। और इधर से ये दिख रहा है ना ये भी कुछ सिस्टम है पाइपलाइन का, मतलब मैंने अभी नीचे चेक करा, देखो ये जगह जगह मतलब स्टीम का ही काम है पूरी हर जगह। इसको देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना ये इसके ये रहा, देखो ये पाइपलाइन जा रही है पीछे। बाकी इसके अंदर आपको मिलती थी अपनी इस कमानी आगे और पीछे, और ये रहा इसका टैंक जिसके अंदर शायद तक मेरे ख्याल से कोयला और पानी भी रहता होगा नीचे की साइड, और कोयले से इसको गर्म करके प्रेशर बनाते होगा। और ये रहा अपन इसका स्टेयरिंग सिस्टम, ये रेक वेक का ये रहा, और ब्रेक लगाने के लिए तो मेरे ख्याल से कुछ व्यवस्था दी नहीं है यार इसमें। बाकी स्टेयरिंग सिस्टम देखो इधर ये इस तरीके का है, मतलब उधर से जो भी इसका एरिया स्टेयरिंग सिस्टम इधर से आएगा ये नीचे की साइड आ रही है, स्टेयरिंग सिस्टम कहाँ आ रहा है इसका, ये रहा ये इधर से इस टाइप से इधर आ रही है इसके अंदर। उसके बाद ये भी जो जैसे भी आगे पीछे होता होगा रेक घूमती होगी तो ये अपना टायर घूमता होगा साइड में। फोटो ले लूं क्या? हाँ ले लो ना भैया बिल्कुल, आप थोड़ा बीच में आ रहे हो ना। हाँ बिल्कुल हट जाते हैं ना। उसके बाद अगर अपन चले पीछे देखो ये इधर से आ रहा है, उसके बाद ये स्टीम का ये देखो उधर से प्रेशर वापस निकल रहा है, इधर आ रहा है इधर आ, उसके बाद ये सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर स्टीम आती होगी मान के चलो तो इधर क्या मतलब किस तरीके से पिस्टन बनते होंगे, और पिस्टन से मेरे ख्याल से इधर कुछ पिस्टन से होता होगा
ऊपर नीचे, उसके बाद यहाँ पे वो रोटेशनल फोर्स बनती होगी जो मतलब घूमने वाला, तो उस रोटेशनल फोर्स से ये घूमता होगा और इसके घूमने से अपने टायर चलते होंगे। अपने को इतना समझ में, और पीछे आपको मिलेगी इस तरीके की कमानी, ठीक है। बाकी यार देखने लायक चीज़ यार, इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत बढ़िया है। अब कोई थोड़ा मिलता जानकार इंसान तो अपन भी बताते क्या किसी चीज़ है इसके ये आगे। हाँ वो तो देख लिया अपन ने, कोयला वोयला वोयला। बाकी इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इधर भाप आती होगी तो इधर कैसा घूमने का बनता होगा ये, इसके अंदर मशीन है ना। हाँ वो पता नहीं रोटेशनल फोर्स कैसे बनाती है ना, ऐसे ऐसे पस 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 ऐसे गोल गोल घूमता है ना वो, ये घूमते। हाँ वो तो उधर वाले ना, हाँ ये चेन वो उस तरफ भी लगा ना, ये घूमते। हाँ भाई साहब देखो मैं सही कह रहा था, भैया भी वही बोल रहे हैं कि इधर को उधर से प्रेशर बनता था, इसके अंदर प्रेशर आता था, फिर इसके अंदर जो पिस्टन रहता है ना, जैसे इंजन के अंदर पिस्टन बनता है प्रेशर, वो आगे बनता है मतलब आगे तो भाप बनती है, उसके बाद टायरों में प्रेशर वो जो भी बनता है, वैसे इसके अंदर भी अपने पिस्टन लगे होंगे जिससे प्रेशर बना के, फिर इसके अंदर रोटेशनल फोर्स आती है, उस रोटेशनल फोर्स से इसके टायर घूमते होंगे। अब देखो भाई साहब जो मेरे को जितना समझ में आया मैंने आपको समझा दिया, लेकिन भाई साहब मेन है इस चीज़ को देखना कि ये चीज़ कितनी लाजवाब है, मतलब उस टाइम की इंजीनियरिंग जिसने भी दिमाग लगाया क्या गजब लगाया है, एकदम जोरदार। और पीछे का वो ब्रेक लाइट है नहीं, ब्रेक तो भाई साहब मेरे को दिखा नहीं, मेरे को तो ब्रेक में यही समझ में आया बस उसको प्रेशर कम कर दो और तुम्हारा गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। बाकी भाई साहब जो आपको इसको पीछे इसके वाटर टैंक देख के नहीं रखा है, लेकिन जो मैंने वीडियो देखी उसके देखी है उनके अंदर पीछे वाटर टैंक लगा रहता था या आगे भी लगा रहता था जहाँ सुविधा मिल जाए अपने को, और वो वाटर टैंक क्योंकि इसके अंदर कोयले के साथ पानी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी, ये कोयले से ही नहीं चलती थी अपने पानी से भी चलती थी, तो उस पानी के वाटर टैंक से अपना वो भट्टी में जाता था और भट्टी से स्टीम बन के फिर अपनी मशीन के अंदर आता था। और गाड़ी इसको चालू करने में भी बहुत टाइम लगता होगा क्योंकि पहले प्रेशर एक कंटेन प्रेशर पे जाओ, उस प्रेशर पे पहुंचने के बाद फिर आपकी गाड़ी अपना आगे बढ़ेगी, क्योंकि फिर जब प्रेशर बनेगा जब ही तो उसके वो अपने ये इधर वाले पिस्टन घूमेंगे और उस पिस्टन घूमने के बाद इसके अंदर रोटेशनल फोर्स बनेगी। भाई यार सबसे मेन प्यारी चीज़ तो मेरे को ये वाली लगी यार, मतलब किस तरीके से अलग ही एकदम रियल व्हील ड्राइव, आज तक नहीं देखा मैंने। और इस डिब्बे के अंदर भाई अपना ऑयल डलता था, जैसे कि अपने इंजन के लिए इंजन ऑयल डलता ना, लुब्रिकेशन के लिए वैसे इसके पार्ट्स के लिए इधर अपना ऑयल डलता था। बहुत प्यारी चीज़ है, मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ इस तरीके से ये। और नीचे चले अपन, देखो कितनी बड़ी इसकी वो लगा के रखी उन्होंने, देखा जाए। चलो घुस के देखता हूँ मैं आपके लिए, मेरे को भी झुकना पड़ के जाना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब, मतलब क्या ही प्यारी चीज़ है यार। ब्रेक सिस्टम है शायद इसके अंदर ही है कि नहीं है, बाकी खैर जो भी चीज़ है बहुत लाजवाब है। चलो मैं निकल जाऊँ यार, मैं फंस जाऊँगा नहीं तो। खैर भाई साहब आज की वीडियो में अपने पास यही था, ये अपना स्टीम लोरी कि इस तरीके की भी चीज़ आती थी तो मैंने आपको दिखा दी, मेरे को इतनी जोरदार चीज़ लगी। खैर अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट शेयर करें, और अगर अभी तक अभी वीडियो देख रहे हो तो आप इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो देखो आप ये वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अगले साहब जय श्री महाकाल।